बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह नाम से निहायत आवाज आई करता हूँ बारी बारी करूँगा <laughs> सिस्टम चेक कर लूंगा

عليكم السلام ورحمه الله وبركاته शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह

असलकम व आप सब लोगों को खुश आमदीद इस कोर्स के सफ़ा नंबर ग्यारह और इशारा सी और डी आज हम पढ़ेंगे यानी कि जो पहला सफ़ा है जिसके चार इशारे थे उसमें से दो इशारे हमने पिछलीफ़ा पढ़ लिए थे और अगले दो इशारे जो हैं आज पढ़ेंगे कुल तीन आयत हैं आयत नंबर इक्यासी बयासी इस लेसन में और ब्रेक के बाद इन आयत नंबर तिरासी पढ़ेंगे तो आइए हम शुरू करते हैं थोड़ा सा रिवीज़न रिकॉल कर लें बल्कि कि क्यू सी टू में हमने पहले पांच सफ़े पढ़े थे और सीधे हाथ के की पांच उंगलियों के ऊपर हमने इसका इशारा देखा था वन टू थ्री फोर फाइव में और टॉपिक्स क्या आते हिदायत और फिर आदम अल इस्लाम का तस्करा था उसके बाद जब क्यू सी थ्री में हम आए तो सफ़ा नंबर छः से लेफ्ट हैंड पे हम आ गए थे सफ़ा नंबर छः सात आठ नौ और दस पढ़े हमने जिसमें टॉपिक था बनी इसराइल का कि जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की नाशुक्री की वगैरह अब क्यू सी फोर में सफा नंबर ग्यारह से लेकर के और पंद्रह तक हमने पढ़ना है और जिसका जनरल टॉपिक जो है वो ये है कि बनी इसराइल की ही कंटिन्यूएशन चल रही है कि उनको एहसास दिलाया जा रहा है जो उन्होंने नाफ़रमानिया की ना शुक्रिया की और उनके गलत अकायद का रद किया गया है जो उन्होंने खुद साख्ता अकायद अपने बना लिए थे तो ये जो पांच सफ़े हैं फिर हम दोबारा से राइट हैंड पे आ जाते हैं और सफ़ा नंबर ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह ये पांच सफ़े जो हैं हम इनशा इसके ऊपर करेंगे तो पिछली दफ़ा जब हमने शुरू किया था सफा नंबर ग्यारह के जो चार इशारे थे एक दफा उसकी रिवीजन कर लेते हैं हम सबसे पहला इशारा था कि जाहिल और पढ़े लिखों का हाल दूसरा इशारा था आग सिर्फ चंद दिन तीसरा इशारा था कायदा आग और जन्नत का चौथा इशारा था मीसाक बनी इसराइल इनमें से जो पहले दो इशारे हम कर चुके थे उनको शॉर्ट में हमने कहा था कि जाहिल और चंद दिन ये होंगे और बाकी आज जो हम दो इशारे करेंगे वो है शॉर्ट में कायदा और मीसाक तो इस तरह से पहली उंगली जो है इसके चार इशारे हमारे आज इन मुकम्मल हो जाएंगे और इन आयत का तारफ़ जिस तरह मैंने पहले बताया था कि भाई टॉपिक वही कंटिन्यू हो रहा है जो बनी इसराइल का है और आप देखें अगर पिछली आयतों से ताल्लुक़ तो उसमें भी यही था कि उन्होंने गलत दावे का बयान जो था उसका रद्द है उन्होंने कहा कि जी हम चंद दिन सिर्फ आग अगर छुएगी भी तो सिर्फ चंद दिन के लिए और इस तरह की जिसपे अल्लाह तला ने कहा था कि क्या कोई इस बात की दलील है तुम्हारे पास कोई सनद अल्लाह तला की तरफ से नाजिल हुई हुई है या कोई अल्लाह तला से अहद लिया हुआ है ठीक है ना तो वरना फिर ऐसी बात करते क्यों जिसका तुम्हें इल्म नहीं है ये वाली बात थी तो अब उसके बाद फिर कायदा बताया जा रहा है कि जहन्नम મે કોણ જાયેગા ક્યું જાયેગા ઓર જન્નત મે કોણ જાયેગા ઓર ક્યું જાયેગા સબક ક્યા મિલેગા આજ કી ઇન આયાત કા કે શિરક કે સાથ બુરે આમલ હમેશા કે લિયે જહન્નમ કી તરફ લે જાતે હે ઈમાન કે સાથ નેક આમલ કા બદલા હમેશા કી જન્નત હે યે આખિર મે હમ એક બાર ફિર પડેંગે જબ હમ આયત કો શીખ લેંગે તો ઇન્શા અલ્લાહ ઓર એક રિમાઇન્ડર કે ભઈ કુરાન કો સમજને કે લિયે દો ચેલેન્જેસ હે के अल्फाज के मानी और ग्रामर तो ये दोनों टी पी आई के मेथड से आसान हो जाते हैं अलहमदिल्ला आप देखें पहली लाइन में सिर्फ दो नए अल्फाज हैं जबकि दूसरी तीसरी और चौथी लाइन में कोई नया लफ् नहीं है तो अगर इसको हम तीन आए तीन लाइनें पूरी मुकम्मल समझ लें तो तीन लाइनों में दो लाइनें तो हमें पहले से अलहमद पूरी आती हैं सिर्फ पहली लाइन में दो नए लफ्ज़ हैं वो भी इन हम आज सीख लेंगे अलहमद लफजी और जो फिक्री तर्जुमा है और शरा है उसकी वो अभी हम पहले देखेंगे आयत नंबर इक्यासी की तो जो हमारा कायदा है कि सबसे पहले आयत नंबर इक्यासी उसको हम सुन लेते हैं पहले नए अल्फाज देख लेते हैं बल्कि लफ्जी तर्जुमान तमाम अल्फाज जो इस आयत में आए हैं उनका देख लेते हैं सबसे पहले है बला बला जब पुरानी मजीद में आता है तो इससे पहले कुछ बात होती है और उसका जवाब जो होता है वो शुरू होता है इस तरह से कि जिसका जवाब जो है वो नफ़ी में हो ही नहीं सकता है इस तरह से इसको समझ लें तो हाँ क्यों नहीं अगर तरजुमे में कहें तो हाँ क्यों नहीं इस तरीके से होगा ये नहीं, नहीं हो सकता ये तो क्यों नहीं जो पहले बात हो रही थी कि जी आग नहीं छुएगी तो क्यों नहीं छुएगी क्यों इस वजह से फिर आगे जो बात आ रही है कि इसका पूरी आयत का हम पहले तर्जुमा एक दफा देख ले ज्यादा आसानी हो जाएगी कि क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने बस यही लोग आग वाले हैं वो इसमें हमेशा रहेंगे अब देख लेते हैं अल्फाज का तर्जुमा बला हमने देख लिया क्यों नहीं मन हमने कहा था मन शुरू में आता है तो कौन और दरमियान में आएगा तो जो या जिसने तो यहाँ पे दरमियान में आएगा तो जिसने मन कसाबा कसाबा उसने कमाया ठीक है ना हम ये में पढ़ेंगे सै तन कोई भी बुराई व और आहत अहातत ये हमने अहाता ही तो पहले भी पढ़ा है ये वाला फेल के अहाता कर लेना घेर लेना तो यहाँ पे मोनस का सीखा आया है क्योंकि अतुन जो है वो मुन्नस है और आगे खतीतन भी आ रहा है फिर वो भी मुन्नस होगा यहाँ पे तो अहातत उसने घेर लिया ठीक है ना बिही उससे या उसको कह लें किस चीज ने घेर लिया खती अतुन है ये और फिर जमीर लगी हुई इसके साथ हु तो ये बन जाएगा खती अतो हु उसकी बुराई और खता हम पढ़ चुके हैं अरबी में तो ये खती अतुन जो है ये बुराई उसी से मतलब उसी फेल से

उलाइका, उलाइका हम पढ़ चुके हैं इशारा कर लेते हैं कि वो सब ठीक है ना उलाइका, उलाईका अन्नारन्नार भी हम पहले पढ़ चुके हैं ये? आग वाले हम वो सब ठीक है ना अच्छा। मैं चेक कर लेता चेक लेता। हम खाली दून उसमें वो सब हमेशा रहेंगे तो यहाँ पे हम एक मिनट रुक करके जरा देख लें सिस्टम में बता रहे हैं कि शायद वीडियो नहीं आ रही है मैं चेक कर लूँ जरा भाई हम जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं डोर एक खोल हैं जरा कनेक्शन के लिए इस आयत के अल्फाज हमने देख लिए थे और तर्जुमा भी देख लिया इसका तो ये आयत अल्लाह के एक ऐसे कानून को बयान करती है जो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है शिरक और बुरे अमाल का बदला हमेशा के लिए जहन्नम यह आयत अल्लाह ताला के एक ऐसे कानून को बयान करती है जो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है यानी शर्क और बुरे अमाल का बदला हमेशा के लिए जानना है और बुरे काम करने वाले लोग बुराई का नतीजा जानते हैं फिर भी वो बुराई करते हैं क्यों इसलिए कि शैतान उन्हें उनके गुनाहों के अंजाम से गाफिल कर देता है तो ये बुनियादी वजह है उसकी इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने जो हदीस यहाँ पर नकल की है उसका तर्जुमा देख लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की जानिब तवज्जो दिलाई है कि छोटे से छोटे गुनाह से भी लापरवाही ना बरती जाए चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे और मामूली गुनाहों से बचो छोटे गुनाहों की मिसाल ऐसी है जैसे कुछ लोग किसी वादी के निचले हिस्से में पड़ाव डालें और एक शख्स कुछ लकड़ियाँ लाए और एक शख्स कुछ और लकड़ियाँ लाए और इस तरह इंतजाम करके वो अपना खाना पका लें कुछ गुना बज़ायर ऐसे ही छोटे होते हैं लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं और इंसान से उनके बारे में पूछ गछ होती है तो वो उसे बर्बाद कर देते हैं ये मुस्ंद अहमद की रिवायत है तो पहली आयत जो है अलहमद हमारी मुकम्मल हो गई है इस लेसन की अब आते हैं हम आ, दूसरी आयत की तरफ यानी आयत नंबर बयासी और उसी तरह इसको हम पहले सुन लें और फिर तर्जुमे और तशी की तरफ जाएंगे ये आयत तो इसमें कोई भी नया लफ्ज नहीं है सब हम पहले पढ़ चुके हैं तर्जुमा देख लेते हैं और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने कि ये अच्छे अमल यही लोग जन्नत वाले हैं वो इसमें हमेशा रहेंगे व लजीना इसको देख लें वा और अल लजीना दोनों में आता है इशारा भी कर लें तो पता चल जाएगा आ मनू आ मनू का इशारा करें नहीं सामने तो नहीं हो सकता भाई और जमा है एक उंगली से कैसे हो जाएगा भाई कुछ थोड़ा सा रिकॉल कर लें जो कि टू और थ्री में थ्री में हमने पढ़ा था आ मना मीनू ईमान तो आमना से आमनु था अगर सामने करेंगे तो आमीनू होगा वो अलग है वो अमर है ये गायब का सीखा है तो इसको जरा रिफ्रेश कर लें आमनु अब तो आमना की पूरी ना मैं आती है तो आमनु तो कोई मुश्किल नहीं है ना नासिर साहब आपके लिए रखा हुआ था मैंने वाह और अमीलु अमीलू का इशारा करें माशा असाल हाथ ये भी हमें आता है उसी वन से हम पढ़ते आ रहे हैं सब आता है तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है होम फी फी हा का इशारा करें राइट राइट हैंड से तो नहीं हो सकता ना हा है ठीक है ना और हा क्यों है ये इसलिए कि जन्नत की बात हो रही है फी हा उसमें खाल हमेशा रहेंगे तो इस आयत में अल्लाह ताला के एक मुनसिफाना कानून को बयान किया गया है सही ईमान और नेक आमाल हमेशा की जन्नत की तरफ ले जाते हैं सही ईमान जो हमारा बुनियादी ईमान है क्या है अल्लाह पर ईमान फरिश्तों पर ईमान आसमानी किताबों पर ठीक है जी रसूलों पर क्यामत पर और कदर यानी तकदीर के ऊपर तो वो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, आमन तो बिल्लाई व मलाई कति ही क़ुतुबी ही व रसुल वलोम आखिरी वल कदर खैर ही शर व शर ही मिनल्ला तल बा मौत तो ये वही वाली है ठीक है ना तो ये बुनियादी चीजें नेक कमाल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये चीज़ें नेक एककाम में शामिल हैं इबादत सबसे पहले नमाज रोज़ा ज़कात जक, हज वगैरह सारी चीज़ें फिर दिल की इबादतें अकीदा अखलास तकवा अल्लाह की अल्लाह की मोहब्बत और उस पर भरोसा अल्लाह के ताल्लुक से अच्छा गुमान हर वक्त अल्लाह की याद और दिल में उसका डर वगैरह जबान की इबादतें यानी ज़िक्र तिलावत नसीहत करना अच्छी बात करना लोगों की मदद और रहनुमाई वगैरह इखलाक जैसे सच बोलना ईमानदारी का ख़्याल रखना वादा पूरा करना इंसाफ पसंद होना तहमल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना और नरमी बरतना वगैरह फिर नेकाल में और क्या आता है मामलात, हलाल कमाना हराम से बचना फिर मुआशरत है वालदेन रिश्तेदार पड़ोसियों फिर कमज़ोर लोगों और आम लोगों के साथ अच्छा सलूक करना उनके हकूक़ अदा करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अमर बिलमूफ व नहीं अनिल मुनकर अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना फिर दावा यानी सारे लोगों को खैर की तरफ बुलाना जो असल दीन है हमारा लोगों को उसकी तरफ बुलाना ये चीज़ है तो ये आयत नंबर बयासी अलहदुल्ल हमने इसका तर्जुमा भी देख लिया तो यहाँ पे आयत मुकम्मल हो गई है अब इन दोनों आयतों का एक दफ़ा फिर हम तर्जुमा देख लें आयत नंबर इक्यासी क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया उसको उसकी बुराई ने बस यही लोग आग वाले हैं वो इसमें हमेशा रहेंगे तो इस तरह मैं शुरू में कहा था कि पीछे से बात हो रही है कि उन्होंने कहा था कि आग हमें नहीं छूएगी अल्लाह तला ने कहा गया तुमने कोई आद लिया हुआ है जो उसी की कंटिन्यूएशन आगे अगली आयत में फिर आयत नंबर बयासी क्या है जो कायदा बताया जा रहा है कि और जो लोग ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमल किए तो यही लोग जन्नत वाले हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे ये कोई नहीं है कि अगर यहूदी है तो जन्नत में जाएगा और यहूदी नहीं है तो जहन्नम में जाएगा ऐसा नहीं है अल्लाह ताला ने जो कायदा बता दिया है ईमान और उसके साथ नेक अमल साल अमल तो ये ये क्राइटेरिया है जन्नत में जाने के लिए जो नसब है या उम्मत है ये ये क्राइटेरिया नहीं है इसबाक दुआ और प्लान इसका देख लें सबसे पहला सबक क्या था कि शिरक के साथ बुरे अमाल हमेशा के लिए जन्म की तरफ ले जाते हैं ईमान के साथ नेक अमाल का बदला हमेशा की जन्नत है तो अब इसका मुताल करने के बाद क्या दुआ करनी है हमने ए अल्लाह हर छोटे बड़े गुनाह से बचने में मेरी मदद फरमा और इस बात से मेरी हिफाजत फरमा कि मैं किसी भी नेकी को मामूली ना समझूं, ठीक है ना मतलब उसको मामूली समझ के छोड़ नहीं दू उस कि मतलब हर छोटी छोटी नेकी का भी मुझे ख्याल रहना चाहिए और जो बड़े गुनाहे उनसे तो बचना ही है मगर छोटे छोटे से गुनाह जो है उनसे भी बचता रहना चाहिए यही हमने प्लान बनाना है कि हर छोटे बड़े गुनाह से दूर रहूंगा ये हमें एक अपना अः कर लेना चाहिए अपने आप से अपना अपने लिए प्लान बना बना लेना चाहिए और फिर उसी उस को आगे पहुंचाना चाहिए इन दो आयत में जो असमा और अफाल अब उनको देख लें सबसे पहले सय तो सय इसकी जमा है सय जी सई जी उसके बाद खती अतुन है इसकी जमा आतुन असाब साहब की जमा आता है मैं पहले से ही जन्नतुन और इसकी जमा जन्नातुन ये भी आता है सॉरी आज थोड़ा सा गला मेरा आ, ड्राइनेस हुई हुई है तो इसलिए मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी सी रखी हुई लाया हूं। सॉरी ये एक स्लाइड जो है ये खास तौर से हमने इसलिए बनाई है कि अब आप लोग माशाल्लाह से यूसी फोर में आ गए तो अफ़ाल की जो किस्में हैं उसका एक दफा हमें सही तरीके से आ, क्या कहना चाहिए कि आ, समझ लेना चाहिए उसको क्योंकि अब हम जब होमवर्क वगैरह भी करेंगे तो उसमें जो सर्फ वाला पोर्शन है क्योंकि इसके बाद अब आपने सर्फ नहीं पढ़नी है क्यूसी फोर में सर्फ आपकी खत्म हो जाती है फिर नहफ पे आ जाते हैं तो इस मौके पर बेहतर है कि ये सारी चीजें देख ली जाए कि फेल की जो इकसाम है वो कौन सी है किस तरीके से आती है तो अगर हम मादे के हरूफ के एतवार से फेल की किस्म देखेंगे ना तो उस हिसाब से क्या होता है सबसे पहले हम कहते हैं कि सही फेल कौन सा है उसमें पहले तो कोई कमजोर हरफ नहीं आएगा मादे के रूप में जैसे वाव, या अलिफ है फिर हमजा भी उसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो एक और अलग कैटेगरी हमने पढ़ ली है उसकी मामूज वाली ठीक है ना यहाँ पे मोतल लिखा हुआ है इल्लत वाले कमज़ोर जिनको हम कहते हैं ठीक है ना तो इसको भी याद कर लें कि जो अगर मादे के रूफ जो तीन है उसमें अगर वाओ या या आ जाए तो वो अब सही की कैटेगरी में नहीं आएगा कमजोर है आप उसको मोतल में रख लें और फिर उसकी किस्में आगे आती हैं कि शुरू में कमजोर था दरमियान में कमजोर था आखिर में वो एक अलग बात है मगर अभी एक मोटा मोटा जो है ना वो देख लें फिर इसी तरह महमूज भी जिसमें हमजा आ गया मादे के तीन हरूफ है एक कोई हमजा आ गया पहला दूसरा तीसरा जो भी है अब वो भी इस कैटेगरी से निकाल के हमने कहा कि ये मामूस की कैटेगरी में आ गया सही में हमने इसको नहीं रखा कमजोर भी नहीं है क्योंकि कमजोर हरफ नहीं आ रहा है ना मोतल भी नहीं हम कह रहे हैं इसको ठीक है ना उसके बाद फिर डबल हरूफ वाले जो थे उसको हमने कहा मोजाफ ये डबल रूफ वाले हैं यानी इनके ऊपर शत जो आ जाती है ना तो हाँ जैसे हमने पढ़ा जन्ना तो नून फिर नून दो नून दो दफा आ गया कमजोर नहीं है ये मगर सही सालिम भी हम इनको नहीं कहेंगे इनको भी एक अलग कैटेगरी में डाल दिया हमने मादे के रूफ हैं सही मगर चूंकि एक हर्फ रिपीट हो रहा है तो इसको एक और कैटेगरी में डाल दिया तो सही सालिम सिर्फ वो हो गए जिसमें ना हमजा आ रहा है ना डबल हर्फ आ रहा है ना वाओ या आ रहा है ठीक हो गया ये इसलिए बताना जरूरी था यहाँ पे कि अब हम जब होमवर्क वगैरह करेंगे क्योंकि इसके आगे आपने सारा पढ़नी ही नहीं है तो अब ये चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए और सवाल इसके आएंगे फिर हो गया है ठीक है okay. मैं इसको चेक करता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हुई दोबारा मैं कॉल करूंगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू असलाकुम रहमतुल्लाह आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी यस सर अच्छा आई एम सॉरी वो कोई ट्रांसफर्ड uh, वालों का कोई कनेक्शन का मसला हुआ था वो अभी मैंने रिजॉल्व करवाया तो है और इन्होंने कहा है कि अभी uh, आप यूज़ करें प्रॉब्लम नहीं आएगी बैक एंड पे ही कोई प्रॉब्लम थी तो हमने जहाँ पे रोका था वहीं से हम दोबारा शुरू करते हैं इनशाला और uh, दुआ करें कि कोई प्रॉब्लम ना आए वीडियो देख लेता हूँ ठीक है ठीक है, जी ठीक है जी बहुत शुक्रिया जजाकमल बिसमिल्ला वसला तो वसलाम रसूल रबिश सदरी वसरली अमरी वाहलतम बिल्सानी यफी असलम वरम एक बार तो आप फिर हम से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे मैंने इसको रोका था कि मादे के हरूफ के हवाले से हमने कहा था कि अफ़ाल की जो किस्में हैं वो सही मोतल महमूज और मुजाफ है तो ये तो हमने सब क्लियर कर लिया था उसके बाद फिर आगे आज की जो दो आयतें हमने पढ़ी हैं उनमें हम देख रहे थे कि अफाल कौन से वाले हैं सबसे पहले हमने कसाबा देखा कसाबा कासिब मकसूब और कस्ब। बाप दराबा से था ये फिर अमीलू अमीला क्यूसी वन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको तो रिपीट करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए और खालिदूना जो है ये भी क्यूसी टू और थ्री में कई दफा आ चुका है खलादा यखलुदू और खुल्द और एक खुलूद भी होता है इसका दोनों होते हैं तो ये रिवाइज कर लें कमजोर फेल इसमें कोई भी नहीं है आज की इन दो आयतों में मजीद फी वाले अफ़ाल देख लें तो तो ये भी हम किसी टू में या थ्री में थ्री में पढ़ चुके हैं मेरा ख्याल है नया नहीं है हमारे लिए बाबाल से है और इहातन इस वजन पे हमने कौन सा फेल पढ़ा है अरा, अरादा यूरीदू, अरादा यूरीदू। जब भी हम वजन पूछते हैं ना तो आपने बताना है फेल माजी का पहला सीगा यानी कि ये वाला उसके बाद फेल मुजारे का पहला सीगा और फिर उसका मसदर ताकि हमें उसके बाब का पता चल जाए कौन सा है तो ये इस वजन पे हमने पढ़ा है जो रेफरेंस फेल है हमारा वैसे तो कई फेल पढ़ चुके हैं इस वजन पे मगर जो हमारा रेफरेंस है वो असलमा नहीं है इसके लिए इसके लिए है अरादा इरादतुन तो ये हमने पढ़ा था कि गोलता आखिर में इसके मस्तर में आ रही होती है अगर फेल माजी के पहले शिशे में आ, सेकंड लास्ट जो है वो अलिफ होगा तो इसका कौन सा है इफाल और वजन है इसका अरादा असलम नहीं है ईमान ये भी हमने किसी थ्री में पढ़ा है अभी तो ये हमें आता है अलहमद और इसका बाब कौन सा है बाब इसका भी इफाल है अलहमद तो ये लेसन हमारा खत्म हो गया है इसकी अब ग्रामर की तरफ आते हैं हम ग्रामर की जो इंट्रोडक्शन थी पिछले हफ्ते हम कर चुके हैं तो आज मैं इसको स्किप करूंगा अगर किसी को देखनी है तो पिछले हफ्ते वाली वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारी अपलोड हुई है वहाँ से इसको देख लें क्योंकि आज हमने नेटवर्क की कनेक्टिविटी वजह से कुछ टाइम ज़ाये हुआ है तो उसको मेकअप करने के लिए मैं रिविज़न उसकी नहीं कर रहा हूँ जो एक्सप्लेनेशन पिछले लेसन में थी और जो हमने सीखा था जमायर मुहनस वाले पिछले हफ्ते वो अगर नासिर साहब एक दफा आगे जल्दी से प्रैक्टिस करा दें तो हम आगे चलते हैं जी मोहनस वाले तो सब आते हैं हमें यह अंति अना अंतुन्ना नहनो एक दफा फिर कर लें हिया हुन्ना अंति ना अंतुन्ना an नहनु रबुहान्ना रब्बुकी रब्बी रब्बु कुन्ना, रब्बु ना, रब्बु हा, रब्बु हुन्ना, रब्बु की, रब्बी, रब्बु कुन्ना, रब्बु ना. فالت فالنا فألتي. فالت فالت فالتنا فالتنا فالنا فالت فالنا

تفعلنا ألنا نفألو تفعلنا ألو تفعل تفعلنا, تفعلنا. تفعلنا. نفعل افعلي افعلنا لا تفعلي لا تفعلنا فاعلة مفعولة الحمد لله पिछले लसन में जो मुन्नस के सीखे पड़े थे उसकी हमने रिवीजन कर ली है और अब आज जो है हमने मुन्स के इस लसन में जो सीखे जो सीखने हैं फेल माजी के वो बाब जो मज़ीद फी वाले हैं उसमें से सिर्फ एक बाब जो हमने बाब इफाल था उससे हमने असलमा मुजक्कर में हमने असलमा इस्लाम इसकी प्रैक्टिस की थी मुन्नस में हमने सिर्फ असलमत पढ़ा हुआ था ये देखें टेक हुआ है, हुआ। बाकी आज हम कर लेंगे इनशाला तो अगर इसकी पहचान देखें आप उसी तरीके से है कि वहाँ पे हमने फालत से फालना था ठीक है ना फालती था और फालतना था वो चेंज कुछ भी नहीं हुआ है शुरू में जो चेंज है वो तो इसकी अपनी इस बाब की वजह से जो चेंज है वही है तो इसलिए चाहे सरासी मुजरद वाले हों या मदीदनफ़ी वाले हों दोनों में मुन्नस के सीखों में जो आखिर की तब्दीली है वो वही रहेगी नून जबर ना है यहाँ पे जेर है फिर नून तद के साथ ज़बर है तो इसकी अः साहब अगर आप आगे प्रैक्टिस करा दें के सिर्फ फेल माजी और फेल मुजाह हम करेंगे इनशाला असलमत असलम ना असलमती असलम तु असलम तुन्ना असलम ना अस्लामत, <coughs> अस्लाम ना, अस्लामती, अस्लाम तू, अस्लाम तुन्ना, अस्लाम ना, पुस्लेमु

उसलिमो उसलिम ना नुस्लिमो असलिमी असलिमी असलिम ना लात उसलिमी लात उसलिम ना मुस्लिम मुस्लिम इस्लाम हमने पहले मसदर पढ़ा हुआ है तो मसदर वही रहेगा वो रहे तो अमर को फिर एक दफा देख लें और नहीं को इसम फाइल और इसम मफूल को हमने पढ़ा था जो माजी का सीगा था मुहनस का असलम ना था वहा यहाँ असलम ना अमर में आ जाता है तोड़ा तो सा फर्क है वो तो माजी में हमने यहाँ पढ़ा था असलमत असलम न अमर में असलमी और असलम न है तो इस जेर को और वहाँ पे जबर को इसको जहन में रखना है अपने तो अमर, अमर को हम दोबारा करते हैं असली असलिम ना लातुस्लिमी लातुस्लिम ना मुस्लिम तुन मुस्लिम त्लाम तो वो हम वही रखेंगे इसमें मजदर की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मज़दर वही होगा जो पहले हमने पढ़ा हुआ है मस्दर का मैं इसलिए बता दूं कि हम इसलिए नहीं करते हैं इसमें मस्दर एक दफ़ा जब हमने मुजक्र का टेबल किया था उस वक्त कर लिया था क्योंकि मस्दर के बारे में ये चीज़ नोट कर लें आइंदा भी काम आएगी है तो मस्दर की जेंस नहीं होती है मस्दर जो है ना वो ये नहीं कह सकते आपकी मुजक्र है या मोनस है दोनों में एक ही इसलिए जब उसकी जेंस नहीं है मजदर की तो फिर उसको मुजक्र और मोनस में अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आ, जो अरबी बोलचाल में सवाल जवाब है वो तो देख लेते हैं अल हल असलमत तो इसका हाँ हल असलमत ठीक है ना तो नाम असलमत आसान हो गया हल असलमना इशारे के साथ करेंगे तो पता चल जाएगा नाम असलमना

هل تسلمنا؟ نعم نسلمو. تسلمو نسلمو. جو مذكر كذا، وَهِيَ هَمَا هل تسلم لله؟ نعم تسلم لله. هل يسلمنا لله؟ نعم يسلمنا لله. هل تسلمين لله؟ نعم تسلم لله؟, نعم لله. هل تسلمنا لله؟ نعم نسلم बिल्लाह। अब अमर की प्रैक्टिस कर लेते हैं अस्लिमी, तो क्या जवाब होगा? उस्लिम। अस्लिम ना, नुस्लिम। अस्लिमी लिल्लाही, उस्लिमु लिल्लाही। अस्लिम ना लिल्लाही, नुस्लिमु लिल्लाही। तो अल्लाह यहाँ पे हमारा पहला लेसन खत्म हो गया है। पांच मिनट की हम ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अगला लेसन शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको एक घंटे में हम कंप्लीट कर लें ताकि आज का लेसन जो है जो टाइम थोड़ा सा ज़ाय हुआ है उसको हम मेकअप कर लें जजाक खैर पांच मिनट के बाद दोबारा शुरू करते हैं

बिस्मिल्ला वसलात वसलाम रसूल असला फिर आप लोगों को खुश आमदी दूसरे लेसन के लिए आज के आ, लेसन का जो दूसरा हिस्सा है यानी कि सफा नंबर ग्यारह का इशारा डी इसमें जिस तरह मैंने पहले बताया था हम एक ही आयत पढ़ेंगे आयत आयत नंबर और इस आयत को दो हिस्सों में करके पढ़ेंगे तोड़ के पढ़ेंगे तो रिवीजन पहले हम कर चुके हैं लिहाजा उसको मैं स्किप करता हूँ जो इशारे हैं आज के जाहिल और पढ़े लिखों का हाल पहला था दूसरा जो पिछले हफ्ते का था दूसरा आग सिर्फ चंद दिन आज जो हमने पहला पढ़ा है कायदा आग और जन्नत का तो वो अल्लाह ने जो यहाँ पे पिछली आयत में बता दिया था और अब मिसाक बनी इसराइल की बात हो रही है जो अहद था उनका जो उनसे लिया गया था तो ये इस आखिरी आयत को इसी इशारे से डॉक्टर साहब ने पहचान बताई है इसकी तो इसका इशारे शॉर्ट में हम करेंगे जाहिल दिन कायदा मिसाक पीछे से उसी टॉपिक की हो रही है कि जी उनके जो अकायद थे वो अल्लाह तकायद का रद्द किया है और उनकी बदआमालियों को बयान किया गया है इसबाक जो इस से हम देखेंगे दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है और सारे अम्बिया उसी दीन को लेकर आए बनी इसराइल को भी उन्हीं आठ बुनियादी चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है नए अल्फाज पहली लाइन में कोई नया नहीं है दूसरी में कोई नया नहीं है तीसरी में तीन नए हैं मगर उसमें से भी दो जो हैं वो तो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं इसलिए एक ही नया है और चौथी लाइन में एक लफ्ज़ नया आ रहा है ये भी मगर हम पढ़ चुके हैं और आखिरी लाइन में एक लफ्ज नया है मोरदून ये हम आज सीख लेंगे इनशाला तो आइए इस आयत का पहला हिस्सा पहले हम सुन लें और उसके बाद फिर इसका लफजी तर्जुमा और तशरी और शैतवान पहले बावरा तर्जुमा इसका देख लें और जब हमने लिया पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि तुम इबादत नहीं करोगे मगर अल्लाह की और माँ बाप से हुसन सलूक करना और कराबतदारों से और यतीमों से और मस्किनों से जुमा देख लें क्यूसी थ्री में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी ये आता है तो इसका क्या मतलब होता है और जब्स और और के बीच में जो चीज छुपी हुई होती है वो ये होती है उस कुरु याद करो तुम सब याद करो इस जब क्या हुआ था अख़ज़ना ये हम पढ़ अख नुके लफ्स न या खजू ठीक है ना ये अमारा या मुरू से याद रखें अमारा या मुरू जिस तरह है इसी तरह अखजा या खुजू और इसका अमर होता है खुज ठीक है ना चले तो ग्रामर में जाएंगे तो फिर इसकी देख लेंगे तो अखज ना हमने लिया हमने पकड़ा ठीक है इन मानों में हमने निकाला इन सब मानों में आता है ये तो यहाँ पे हमने लिया मीसाक मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद को बनी इसराइल ये पहले भी आ चुका है तो हमें पता है कि ये किस तरह से बना हुआ होता है बनी और इसराइल जब ताल्लुक़ की जोड़ी हम पढ़ लेंगे ना तो फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये बनीन का नून कहाँ गया है अभी नहीं ये क्यूसी फाइव में आएगा जब हम पढ़ेंगे ताल्लुक़ की जोड़ी

वाली तो ये माँ बाप के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है वाली एहसान एहसान उसने सुलूक करना अच्छा सुलूक करना एहसान कुर्बाजी हमने पढ़ा था पहले जब वहां पे किसी टू या थ्री में किसी जगह आया था जा जू और जी वाले के लिए इस्तेमाल होता तो है भले क्यूसी वन में भी आया था जा जू और जी हमने पढ़ा था क्यूसी वन में किसी जगह आया था मुझे याद आता है तो हमने कहा था कि ये होता है वाला ठीक है ना मेरा ख्याल है जुल अकल वाला था कोई इस तरह की कि किसी हदीस या कोई आयत थी ठीक है ना क्यूसी वन में पढ़ा था जू ठीक है ना तो जू का ज़ा और जी जो है, ये भी इसी की बदली हुई शक्लें हैं जो किसी वजह से तब्दील होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। जब हम फर्क पढ़ेंगे अबू क्या है अबा क्या है और अबी क्या है यह क्यूँ फाइफ तक लेकिन हो गया अः अल क़ुरबा कुरब वाले ठीक है ना वल और यतीम ये जमा में आ रहा है यामा वल मिसकीन उसकी जमा मसाकीन तो ये अल्फाज हमने सीख लिए हैं अब इसके जो फिक्रे हैं इसके अंदर डॉक्टर साहब ने बताए उनको हम देख लेते हैं कि हुसन यानी अच्छी बात और व अन तुम मोरदून को उन्होंने कहा है कि इससे याद रखें तो आइए पहले इस हिस्से को भी हम सुन लेते हैं फिर इंशाल्लाह अगले अल्फाज के माना और फिर टुकड़े भी इसके देख लेंगे इस हिस्से को भी पहले सुन लेते हैं सदक इस हिस्से का आयत थे क्या हुआ और कहो लोगों से अच्छी बात और कायम करो नमाज और दो जक़ात फिर तुम फिर गए मगर थोड़े तुम में से और तुम फिर जाने वाले हो यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज का पुख्ता अहद उनसे लिया था कि ये काम उन्होंने करने जो दो पहले बता दिए और बाकी यहां पर मगर फिर उससे वो फिर गए ठीक है ना और तुम सब फिर जाने वाले हो ये अल्लाह ताला ने उनको तो बता दिया है तो आइए अल्फाज देख लें वाह और कूलू इशारा करें नहीं नहीं कूलू है भाई कुल वाहिद है कूलू जमा है हुस्नन अच्छी बात व अकीमू वा और हो गया अकीमू ये भी वही है तुम सब कायम करो अकाम से ये हम पढ़ चुके हैं गर्दानपुरी ही कर चुके हैं वकीमो क्या चीज असलाता वो आतू ये भी हमें आता है आतू हाँ आती वाहिद आतू हाँ तुम सब दो ठीक है ना क्या चीज जक़ात सुवलई तुम तवल्ला या तवल्ला ये भी हम पढ़ चुके हैं तो तवलई हमने उसने पढ़ा था उसकी पूरी गर्दान की थी तवल्ला की तो तवलईता और उसकी जमा हो गई तवलई तुम ठीक है तुम सब फिर गए इल्ला मगर कलीलन कलील उस दिन भी हमने पढ़ा है समनन कलीला पिछले हफ्ते के लेसन में भी आ गया था कलीलन तो ये वही है कलीलन मिन कुम वा तुम में से वाह और अनुम तुम सब अब यहाँ पे ये कि और इस हाल में तुम फिर जाने वाले हो तुम सब ठीक है ना तो मोरदून जो है वो आरदा रोदू इससे बनता है जब हम ग्रामर में जाएंगे तो वहां पे देख लेंगे इसको अल्लाह <क्राँग> बनी इसराइल को याद दिला रहे हैं कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने और हक को कबूल करने से इनकार करने के आदि हो चुके हैं उन्होंने अल्लाह के साथ पैमान तो किया लेकिन फिर उसकी खिलाफ वर्जी कर बैठे यहाँ उस वक्त के मदीना में आबाद मुसलमानों के लिए एक पैगाम भी है कि यहूद की जानब जानब से रसूल सल वसम की नबूत का इनकार करने पर कोई ताजुब नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी उनकी अक्सरियत ने अल्लाह के अहम से मुंह मोड़ा था पैगाम क्या है हमारे नाम के हमें अल्लाह की नाफरमानी और हक़ को ठुकराने से बचना चाहिए दुआ एहत प्लान के फार्मूले को ज़िंदगी में लाइए और ईसायत में बयान किए गए आठ शोबों का पैगाम हर एक तक पहुँचाइए ये, ये डॉक्टर साहब ने जो मैसेज दिया है हम सब के लिए और यही चीज़ है कुरान को अपनी ज़िंदगी में ले करके आना कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं सीखते हैं उससे अहकाम है तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लाना है और फिर दूसरों तक पहुँचाना भी है इसको तो पहला क्या है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कीजिए वालदे के साथ अच्छा सलूक कीजिए रिश्तेदारों के साथ अच्छा बरताव कीजिए यतीमों के साथ अच्छी तरह से पेश आइए मस्किनों और ज़रूरतमंदों के साथ उसने सलूक कीजिए लोगों के साथ अच्छे अंदाज में बात कीजिए चाहे कोई भी हो नमाज क़ायम कीजिए यानी जमात के साथ वक्त पर और नमाज के आदाब का ख्याल रखते हुए नमाज पढ़िए जकवात अदा कीजिए तो ये है वह आठ चीज़ें जिनका हम सब ने ख्याल रखना है और अपनी जिंदगी में इसको लेके आना है अहतमाम करना है और फिर दूसरों तक इसको पैगाम को पहुँचाना है अगर हम अल्लाह की हिदायत पर अमल करने लगे तो हमारा मुआरा कितना अच्छा हो जाएगा हम इबादत में इखलाक में बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अच्छे और बेहतर हो जाएंगे हदीस सही बुखारी की है अबू बकर रिवायत करते हैं कि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह की खबर ना दूं साबा रदी अल्लाह ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह क्यों नहीं जरूर खबर दीजिए नबी करीम वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना और वालदेन की नाफरमानी करना तो ये जो सबसे बड़े गुनाह अल्लाह बताए हैं वो ये हैं अलमदिल्ल ये आयत मुकम्मल हो गई आयत नंबर तिरासी आज हमारी अब एक दफ़ा इसका तर्जुमा फिर देख लेते हैं और जब हमने लिया बनी इसराइल से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप से उसने सलूक करना और कराबत दारों और यतीमों और मस्किनों से और तुम कहना लोगों से अच्छी बात और नमाज कायम करना और जक़ात देना फिर तुम फिर गए तुम में से चंद एक के सिवा और तुम फिर जाने वाले हो इसवाक दुआ और प्लान देख लें इसवाक जो हमने शुरू में देखे थे दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है और सारे अम्बिया इसी दीन को लेकर आए बनी इसराइल को भी इन्हीं आठ बुनियादी चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है ये दो बहुत अहम सबक हैं इसके इसायत के तो हमें ईसायत को सीखने के बाद दुआ क्या करनी चाहिए कि अल्लाह इन आठ शोबों में से हर एक शोबे में बेहतर बनने में मेरी मदद फरमा एफर्ट्स करेंगे हम तो फिर करेंगे तो अल्लाह की मदद होगी तो इनशाला कामयाब हो जाएंगे उसमें प्लान क्या बनाना चाहिए मिसाल के तौर इंशाल्लाह इनशाला प्लान बनाऊंगा कि इन आठ चीजों को कैसे जिंदगी में लाया जा सकता है खास तौर से इन शोबों में जिनमें मैं कमजोर हूँ अब यह हर शख्स अपना अपना खुद ही मुहाजबा कर सकता है कि मैं कहा कमजोर हूँ वालदेन के हकूक पूरे नहीं अदा कर रहा हूँ लोगों से अच्छी बात नहीं करता हूँ या नमाज में कुछ सुस्ती कर रहा हूँ ज़कात देने में कुछ सुस्ती कर रहा हूँ अपना अपना एहत हम सब ने करके और फिर जहाँ जहाँ कमजोरी है उसको दूर करना है ये तरीका अपनी जिंदगी में लेके आने का इनशा आज के सबक के असमा और अफाल देख लें सबसे पहले वालीन अच्छा ये नोट कर लें देखें वालिदन है यहाँ पर इसकी जमा लिखी हुई है मगर साथ में दो भी लिखा हुआ है तो अब हमने क्योंकि तस्निया सीख लिया है तो ये असल में जमा नहीं है ये दो के लिए है और दो भी दो दो वालिद नहीं एक वालिद और एक वालदा तो आपकी किताब में वो जमा के टेबल में जहाँ पे लिखा हुआ है ना उसके आगे भी आप भी टू लिख लें जैसे यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है ना टू उससे आपको याद रहेगा कि ये जमा नहीं है वालिद की बल्कि ये तस्निया है तो बस ये करेक्शन नहीं मेरा ख्याल अभी इसको रहने दें बस ये वाले से जो वाल है ठीक है अभी यहीं तक रहते हैं ठीक है तो वाल जो है ये जमा नहीं है बुक में करेक्शन कर लें आप लोग अपनी ये तस्निया है दो वाला सीधा है और दो भी दो वालिद नहीं दो वालिद तो हो नहीं सकते ना हाँ वाल और वालदा को मिला करके वाल कहा जाता है जिस तरह से अरबी में इस्तेमाल होता है यतीम की जमा यतामा है ठीक है ना और मिस्कीन की जमा भी माँ जमाप होना चाहिए वालिद और वालदा भी वही बात है अगर आप माँ और बाप कह रहे हैं तो वो भी वही बात है एक ही बात है दोनों सलात इसकी जमा सलावात ये भी हमने किसी वन में पढ़ा था मसाकीन है ना हाँ मसाकिनो है ठीक ये तो आ, थोड़ा सा आगे जा करके पढ़ेंगे कि ये खास टाइप जो होती है जमा जैसे हमने क्यूसी वन में पढ़ा था कि शैतानुन है मगर उसकी जमा शयातिनू है वहाँ पे नून के साथ तनवीन नहीं आती है तो इस तरह तरह के जो जमा है जिसमें आखिर में अलिफ के बाद फिर या नून वगैरह इस तरह से आ जाता है तो फिर उसमें तनवीन नहीं आती है ठीक है ना तो इसको क्यूसी वन में जो शैतान और पढ़ा था उससे याद रख लें है इस पे तनवीन है मगर इसकी जमा में तनवीन नहीं आएगी वहाँ पर पे सिर्फ पेश है मसाकिफाल में जो तीन हरूफ वाले हैं पहले उसको देख लें ताबूना ये इसकी पूरी किरदान हमने की हुई है अबादा या आबुदू से इबादतुन हुस्ना ये बाप करोमा से करू, बाप करोमा हमने किसी थ्री में नहीं पढ़ा था किसी फोर में इंशाला भी पढ़ेंगे दो चार लेसन के बाद आ जाएगा तो हसोना यह सुनू। और इसका फेल अमर है ओह सुन हसन जो आ, इसका इसम फायल है ये एक और वजन पे भी होता है ये मैं चेक करके अगली क्लास में आपको बता दूंगा वैसे किताब में मेरा ख्याल यही लिखा हुआ है शायद हसन उन और फिर इसका जो मफूल नहीं होता है हुसन ये इसका मसदर है अफाल अ या खुजू ये कौन सा वाला है ये मजीदुन फी सॉरी ये अभी उसमें नहीं है अभी तो हम सलासी मुजरद वाले में महमूज वाले में हमज़ा वाले अफ़ाल देखें यहाँ साइड में लिखा हुआ है तीन हरफी कमज़ोर अफ़ाल वो वहाबा वादा और कला वगैरह थे उसके बाद हमजा वाले आ गए महमूज जिनको हमने कहा हमारा शाह वगैरह और फिर यक जो डबल वाले थे यकसाफ वाले जन्ना वगैरह वा तो ये बाब नसारा से है मगर महमूज हमज़ा वाला है ठीक है ना वो जो मजीदुन फी में इसी मादे से आता है वो आ खजा यु आ है ठीक है ना वो अलग है वो मजीद फी में मगर मादे के इनफ से जो बाब नसारा से आ रहा है वो है अखजा या अखजू जैसे हमने अमारा या अमरू पढ़ा था तो अखजा या अखुजू खज आखिज माखूष और अखजुन लू तो हमें सब आता है इस कलीलन पिछले लेसन में हमने पढ़ लिया था कल्ला या किल्लू किला कलील और कल्लन हो गई अब आते हैं हम मजीद फी वाले अफाल की तरफ अहसना इहसान बिल्कुल उसी वजन पे असलमा यूस्लिम इस्लाम तो अहसना यूसिनु आहसिन मोहसिन मोहसन और एहसान अकीमु इसकी गिरदान भी हम कर चुके हैं अकामा युकीमु अकीम मुकीम और मुकाम इकामतुन ठीक है ना आतु ये भी हमने इसकी पूरी गिरदान पढ़ी हुई है पिछले कोर्स में पढ़ी थी आता युती आता युति आती ठीक है ना और इसकी जमा है आतू फिर मुक्तिन मुक्तन और ईता हमने पिछले कोर्स में पढ़ लिया था तवल्ला या तवल्ला।, तवल्ला इसका फेला मरता मुतवल्लिन मुतवल्लन और तवल्लिन आरदा योरिदु ये जो मोरेदून बना है ना तो मोरिद इसम फाइल है इसकी जमा है मोरेदून तो इसको देख लें ये बिल्कुल उसी तरह है असलमा युसलिमो की तरह आरदा योरिदु आरिद मोरिद मोरद एराद अल्हम्दुलिल्लाह तो यहाँ पे हमारा जो कुरान वाला पार्ट था इसका वो मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ और ग्रामर आज की बहुत आसान है और बहुत छोटी सी है तो इनशाला हम आठ बजे तक कंप्लीट कर लेंगे ये वाला सेशन ज़्यादा नहीं आ ची ग्रामर थोड़ी सी है जो पिछले लेसन में हमने इंट्रोडक्शन किया था ये वही वाली स्लाइड है कि जो सर्फ थोड़ी सी रह गई है जो कोर्स में पढ़ेंगे और फिर शहव शुरू कर देंगे अगले कोर्स में जा करके फिर सारा नहफ पढ़ेंगे इन पिछले सबक में हमने जमायर पढ़े थे मुन्स के और फेल भी मुन्नस का किया था आज पहले सबक में हमने फेल में फी वाले कर लिए तो अब जो चीज़ रह गई है वो है दो वाले सीखे हमारे यानी कि हमने पहले बात की थी कि अरबी के अंदर वाहिद और जमा के दरमियान में एक और चीज होती है वाहिद एक के लिए होता है जमा तीन या उससे ज्यादा के लिए होता है तो दो वाला जो है ना उसके लिए एक अलग सीखा होता है जो हम पहले कुछ पढ़ भी चुके हैं आ, अब इनशा जमायर और फेल इसमें हम सीख लेंगे इसको इनशाला बहुत आसान है क्योंकि सबसे अच्छी बात तो यह कि इससे मुजक्र और मन्नत से, से फर्क नहीं है ये देखें हमने पढ़ा हुआ है पहले आ, जो अभी तक पढ़ा हुआ है हुआ हुआ के साथ हमने पढ़ा हुम तो अब इन दोनों के दरमियान में आप देखें हुमा आ गया है तो हुआ वो था अब दो के लिए हुमा हो गया है और फिर हुम तो इसका इशारा कैसे करेंगे देख लें आप एक उंगली से हमने इशारा किया हुआ अब इसी को दो उंगली से कर लें हुमा और फिर चार उंगलियों से होम तो प्रैक्टिस कर लें हुआ हुआ गया ना दो उंगलियों से दो का इशारा हो जाएगा अच्छा अब जब हम सामने आते हैं तो हमने वहां पे अंता के साथ अना पड़ा हुआ था ठीक है ना और फिर हमने अंतुम और नहनु पढ़ा था ऐसे ही है तो अब ये समझ लें कि दो वाला सीखा जो है वो गायब के लिए भी है और मुखातब के लिए भी है मगर मुतकलम के लिए सिर्फ वाहिद और जमाई है ठीक है ना बोलने वाले अगर एक है तो अना होगा और एक से ज्यादा है तो नहनु होगा बोलने वाले के लिए उन्होंने दो का नहीं रखा है क्योंकि या तो एक बोलेगा या सब बोलेंगे अरबों ने यहाँ पे फर्क नहीं किया खुद बोलने मगर जब इशारा कर रहे हैं किसी और की तरफ तो उसके लिए एक दो और जमा इसी तरह सामने मुखातिब भी जिससे हो रहे हैं उसके लिए भी अगर मैं आपसे मुखातिब हूं तो एक से जब कहूँगा तो वाहिद दो उसके लिए अलग सीखा आ गया और फिर जमा ठीक है ना तो इस तरह अंता के बाद अना उसके बाद अंतुमा फिर अन, नहीं नहीं अंतुम नाह एक ही दफा रहेगा ना इसलिए अब देखे अंता के बाद अना आ गया ना फिर अंतुमा और अंतुम एक साथ कर लेंगे हम प्रैक्टिस ठीक है ना अंतुमा अंतुम नाहनु तो आइए अब इसको एक दफा पूरा कर लें

ठीक वो वो दोनों वो सब आप मैं आप दोनों आप सब हम सब क्लियर हो गया तो ये बहुत आसान है इसकी दो चार दफा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनशाला पक्का हो जाएगा एक दफा मैं इशारा करता हूँ आप लोग कर लें माशाला तो बस इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग तो ये जमायर जो है वो पक्के हो जाएंगे जैसे हमने वहां पे हाँ, जी हाँ दो मैंने बताया ना देखें इधर दो आ रहे हैं इधर दो आ रहे हैं इधर दो नहीं आता बस ये आसान है तो दो ही चीजें हैं सिर्फ इसके फिर इसी तरह जैसे हमने रब हु, रब की प्रैक्टिस की थी तो वहां पर भी इसी तरह से हो जाएगा अः अभी आते हैं हम उसकी तरफ भी जो टिप डॉक्टर साहब ने दी है दो के सीखे बनाने के लिए कि जमा के सीखे के आखिर में अलिफ मद का इजाफा कर दिया जाए बाओ नून हो तो अलिफ नून कर दिया जाए जैसे मुस्लिम से मुस्लिमानी ठीक है ना तो अगर सवाल किया जाए मन हुमा ठीक है ना मन हुमा वो दोनों कौन है और अगर वो दोनों मुसलमान हैं तो हम कहेंगे हुमा मुस्लिमानी वो दोनों मुसलमान हैं ठीक है ना जमा में हम कह रहे थे मुस्लिम ना हुम, हुम होता था यहाँ पे हुमा मुस्लिम आप दो से अगर पूछू मन अंतुमा तो उसका जवाब होगा नहनु मुस्लिमानी ठीक है ना नहनु यहां पे देखें यहाँ दो का सीखा नहीं था तो जमीर वही रही है जमा वाली मगर यहाँ पे दो का सीखा था तो वो मुस्लिमानी होगी अलमदुल्ल अब हम आते हैं जमायर जो मुतला वाले जैसे हमने वहां पे पढ़ा था रब हु, रब ठीक है ना रब तो अब इसमें भी तस्निया ऐड हो जाएगा ठीक है ना इसमें भी दो वाला सीखा अब ऐड हो जाएगा तो जैसे रब था उसके बाद दो के लिए हुमा आ गया और जमा वही रहेगी रब फिर इसी तरह रबु का रबी रबो कुमा रबो कुम रबु ना तो इसकी मेरा खाले प्रैक्टिस करा देंगे नासिर साहब आप आगे फिर हम आगे चलते हैं रबहु रबुहुमा रब रब्बुका रब्बी रब्बुकुमा, रब्बुकुम रब्बुना अब मैं इशारा करूंगा आपने बोलना है इजार तो ये देखें इसमें भी जमायर के सिर्फ दो चीजें आ गए रब्बुहुमा हुमा और रब्बुकुमा बस ये अगर हम सीख लेते हैं तो इनशाला आगे जा करके फिर मुश्किल नहीं होगी हमें इसमें अरबी बोल चाल में जैसे आ गए वहां पे हमने पूछा था मन हुमा अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं मन रब्बु हुमा तो रब मन रब्बु कुमा आप दो का रब कौन है तो वहां पे जवाब आएगा हाँ क्योंकि ना के लिए तो जमाई है दो नहीं है वहां पे तो इसलिए रब्ला अब फेल माजी में देख लें दो के सिखे किस तरह से आते हैं वहां पे हमने पढ़ा था फायलु फायला फायलू पढ़ा था तो अब वहां पे एक अलिफ का और इजाफा हो जाएगा लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ जबर के साथ कहूँ फाइला तो उसने किया अगर मैं अलिफ भी लगा दू तो फाइला उन दो ने किया और फालू उन सब ने किया एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा ये बहुत ही आसान है आप देखें फालतू के बाद जब आप कहेंगे फालतू और फिर फालतुम उसी तरह है जैसे वहाँ पे अंतुमा था और अंतुम था तो यहाँ पे फालतु और फालतुम हो गया बस इतना आसान है ये इसी की हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो दो वाले नए सीखे जो हमने सीखे फाला और फालतु है ये ये फेल माजी में है तो इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करा दें आगे नासिर साहब पाला पा अला पा आलू पालता पाल पाल तुमा पाल तुम पालना एक दफा फिर कर लें पाला पाला अला पालू पअलता पालतु पाल तुमा पाल तुम पालना अब आप मैं इशारा करूंगा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ये दो सीखे हमने और सीख लिए फाला और फालतुमा इनको अब हम बोलचाल में देख लेते हैं हल फाला क्या उन दोनों ने किया तो नाम दो उंगलियों से इशारा करें फाला हल फाल क्या आप दोनों ने किया फालना यहाँ पे दो नहीं आएगा यहाँ पे जमा ही होगा ये बस याद रखना है हल फाला खैरन नाम फाला खैरन हल फाल तुमा खैरन नाम फाल है फाल ना है नहीं फाल ना होगा दो है ना भाई वाद नहीं है मैंने बताया था ना कि अपने लिए जब बात कर रहे हैं हम यानी कि फर्स्ट पर्सन जिसको हम कहते हैं उसमें आई और वी है ठीक है ना वहां पे हाँ दो के लिए भी और तीन के लिए भी चार के लिए भी जितने भी हैं ठीक हो गया अलहमदुल्ल यहाँ पे हमारा ये लेसन मुकम्मल हो गया अलमदिल्ला हमने हालांकि दरमियान में कोई आ, नेट कनेक्शन का मसला हुआ था जिसके लिए कोई मेरा ख्याल बीस मिनट ज़ाय हुए या पच्चीस मिनट मगर हमने ब्रेक शॉर्ट कर ली थी और कुछ रिविजन जो है वो आप लोगों पर छोड़ दिए है तो उम्मीद है कि आप लोग अपने टाइम पर उसको कर लेंगे इन शाला तो यहाँ पर हम अपना लेसन कम्प्लीट कर लेते हैं होमवर्क ज़रूर करें तो जिस तरह मैंने कहा था कि पहले अपनी वर्कबुक कर लें उसके बाद फिर होमवर्क करें ताकि आसानी हो जाए और टीचर बनने के लिए तैयारी करें दुआ कर लें कुरान पढ़ने समझने गौर करने अमल करने फैलने और याद करने की तोफीक लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं मैं अवेलेबल हूँ सवाल तो जवाब के लिए अगर कोई सवाल है तो वो हम उसी से तोबा मांगते हैं नहीं अलह नहीं है ये इलाई का है ये असल में इलाइक हम जब वक्फ करते हैं तो फिर इलाइक कहते हैं ठीक है ना ये आयन के साथ नहीं है हमजा के साथ है तो नतूबो हम तोबा करते हैं हम पलटते हैं इलाई का तेरी तरफ तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर यहाँ पे हम खत्म कर लेते हैं जजाक खैरा सर यहाँ पे एक सवाल छोटा सा सर मेरा है जी फरमाइए यस अल्लाह और यसअल ना में सर क्या फर्क है जब मोनस के लिए इस्तेमाल करते हैं, नून जबर ना और नून अलिफ ना अलिफ पर तो कोई भी ए, हरकत नहीं है ये ये कौन सी वाले किस गिरदान बात कर रहे हैं ये सर आज, फेल माजी आज की, की आज बात और... कर रहे हो ना मोनस के लिए अच्छा हाँ ठीक है ये मोनस के लिए यस अल्ला जो है वो जमा के लिए है मुतअल्लिम के लिए जी जी वहां पे देखें नून पे सिर्फ ज़बर है आप इसको बुनियादी वाले से याद रखें जैसे वहां पे हमने फालना पढ़ा था मुन्नस के लिए जी और फालना ना पढ़ा था जमा मुतअल्लिम के लिए हाँ वो उसमें مذکر مونث दोनों है ठीक हो गया तो ये सर फर्क है ना इसमें नून ज़बर ना और नून अलिफ ना भाई देखें ना जब भी हम अलिफ लगा देंगे तो फर्क तो होगा ना कि एक लेकिन अलिफ पर सर कोई हरकत नहीं है सर अलिफ से पहले वाले अलिफ तो हमजा हो जाएगा ना <laughs> तो इसलिए से पहले जो आ रहा है उसके, उसके है ना आप खींच रहे हैं ना उसको पहले नहीं खींच रहे थे ठीक है सर ठीक है अगर मैं लिखूं सिर्फ काफ जबर का काफ जबर का ठीक है और काफ अलिफ ज़बर का तो अब आप खींचते हैं ना इसको थोड़ा सा तो अब ये मद बन गया ये ठीक है ठीक है सर अलिफ के साथ आ गया का आपने खींचा इसको ठीक हो गया ठीक है सर बस यही फर्क है वहां पे जो आपने पूछा फअलना और फअलना ठीक है ना आप चलें जजाकुम अल्लाहू खैरा अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर यहां पे मैं मीटिंग एंड करता हूं